ये है सागर के संत रविदास वार्ड में रहने वाले अमोल विश्वकर्मा। महज 10वीं तक पढ़े अमोल ने 15 सालों तक बीड़ी बनाकर अपने परिवार का गुजार बसर किया। साथ में स्कूल में मिली स्कॉलरशिप से उन्होंने लोहे का काम शुरू किया, लेकिन पूंजी ज्यादा नहीं होने की वजह से वह उसे बढ़ा नहीं पा रहे थे। साल 2018 में उनकी किस्मत पलट गई जब उन्हें मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत लघु उद्योग के लिए मिलने वाले लोन के बारे में पता चला। शिवराज सरकार की इस योजना के लिए अमोल ने आवेदन किया तो 10 लाख रुपए का लोन भी स्वीकृत हो गया। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने लोहे का काम को बढ़ाते हुए कारखाना शुरू किया, जिसमें वह कारीगर लगाकर दरवाजे, वेंटिलेशन, खिड़की, फेंसिंग जाली की मैन्युफैक्चरिंग करने लगे। सरकार से मिली मदद और अमोल का हुनर रंग लाया। 4 साल में ही उनका धंधा अच्छा चल पड़ा है। अब वह 12 से अधिक लोगों को रोजगार मुहैया करा रहे हैं। अमोल का साल का 50 लाख से अधिक का टर्नओवर हो रहा है। सीधा अपन आज से 40 साल पहले बहुत खराब स्थिति थी, तो उस समय बीड़ी बना के अपना गुजारा करते थे। बीड़ी बना के गुजारा करते थे, बनाते रहे, पढ़ते रहे, 10वीं तक बीड़ी बना बना के पढ़ाई की, घर का परिवार का सारा देखा। और उसके बाद 10वीं तक पढ़ाई करके उसके बाद मुझे 6वीं क्लास में 90 रुपये स्कॉलरशिप मिले, तो उस समय 150 रुपये मिलते थे स्कॉलरशिप के। वो स्कूल कम गए, मजदूरी करने जाना पड़ता था, तो 90 रुपये कटकटके मिले। वो 90 रुपया से मैंने अपना एक काम शुरू किया लोहे का। करते करते आज कुछ समय 10-15 साल ये काम लोहे का काम करते रहे। उसके बाद गवर्नमेंट से पैसा मिल गया, तो अपन ने सारा व्यवस्था आगे जमा ली। अभी फैब्रिकेशन करवा दी, सारा काम होता है। अभी हमारे पास कम से कम 10-12 लोग काम कर रहे हैं और हमारा फैब्रिकेशन का काम अच्छा चलता है। हम कम से कम 4-5 लाख रुपए का महीने का टर्नओवर दिखाते हैं। अमोल विश्वकर्मा कहते हैं कि अगर उस समय शिवराज सरकार से मदद न मिली होती तो आज वह सिर्फ लोहे ही बेच रहे होते, जिसमें मामूली सी बचत हो पाती। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की योजनाओं से उन्हें दूसरी तरह से भी फायदा हो रहा है। सरकार की अन्य योजनाओं के तहत कुटीर और अन्य तरह के काम के ऑर्डर निकल रहे हैं। उसके हितग्राही भी माल खरीदने के लिए उनके पास आ रहे हैं। अमोल बताते हैं वह खुद ज्यादा नहीं पढ़ पाए, लेकिन सरकारी योजना के तहत उसकी जिंदगी में आए बदलाव के चलते बच्चे अच्छी स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं। चार पाँच साल पहले मदद मिल गई थी, 4 साल पहले, तो उससे हमारा मतलब सरकार से मदद मिलना ही हमारे सबसे बड़ा काम है। उससे मदद मिली तो हमने अपना सारा व्यवस्थित किया सारा, और आज भी सरकार से ही मदद मिल रही है। अगर हमारा बना हुआ माल बाजार में नहीं बिकेगा तो सरकार की तो ये सारी मदद है। बाजार में कुटी आ रही हैं तो हमारे दरवाजे बिक रहे हैं, और हमें और 10-50 लोग जुड़ने की हमें क्षमता है कि हमारा अगर काम आगे बढ़ता है तो हम 50 लोगों से काम करवाएंगे। अमोल का कहना है कि राज्य सरकार की कई योजनाएं हैं जो उनके जैसे लोगों को अवसर प्रदान करती है। इसी वजह से एक अन्य योजना के तहत वे लोन के लिए अप्लाई करने वाले हैं। यदि सब कुछ तय की गई प्लानिंग के तहत हुआ तो वह जिले के 50 से ज्यादा लोगों को रोजगार देंगे।